और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के महिला सांसद ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ये बड़ी खबर, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की महिला सांसदों ने शिकायत दर्ज कराई है। सदन में अनुचित व्यवहार के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई है। राहुल के खिलाफ बीजेपी महिला सांसदों ने शिकायत दर्ज कराई है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के नेतृत्व में ये शिकायत की गई है। स्मृति ईरानी ने जब वो अपना भाषण दे रही थी तो इस घटना का जिक्र किया था। अब देखना यह है कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी का कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आ रहा है। राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस का आरोप लगाया गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे मेरे साथ हैं। मैम, आज राहुल गांधी को लेकर आप लोगों ने शिकायत की है, क्या वाकया हुआ था सदन में? सदन का अंदर राहुल गांधी जी ने इंडेसेंट बिहेव किया है। वो स्मृति ईरानी जी को देख के, महिला मेंबर्स को देख के प्लेन किस कर रहे। आज उसका भाषण खत्म हुआ, उसके बाद स्मृति ईरानी जी भाषण करने के लिए खड़ी हुई थी, उसी समय वो वापस जाने वाले थे। हम बताया, राहुल गांधी जी आपका भाषण हम सुने हैं, आप स्मृति ईरानी जी को सुनिए, बैठिए, ऐसे हम बोल रहे थे। उसी समय हमको देख के प्लेन किस करके वापस गए। ये पार्लियामेंट का अंदर इंडिसेंट बिहेव करना ये पहली बार ऐसे हो गई है, इसीलिए हम स्पीकर को कंप्लेंट दिया है, शिकायत किया है। ऐसा एक मेंबर महिला का तो अपमान करता है, पार्लियामेंट का अंदर ही अपमान करते हैं, उसको कार्यवाही करना एंड जरूरी स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना, ऐसे हम बात किया है। कितनी बाकी महिला सांसदों ने भी आपके साथ जाकर शिकायत की? सब हम तो कंप्लेंट में सब साइन किए हैं, सब हम तो कंप्लेंट दिया है। ये थे केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे। इनका कहना है कि राहुल गांधी ने जो बिहेवियर आज संसद भवन के अंदर किया है वो इंडिसेंट है और इसको लेकर उन्होंने स्पीकर से शिकायत दर्ज की है और उम्मीद करती हैं कि स्पीकर इस पर कार्रवाई करेंगे। कुमार गौरव, News 24 दिल्ली। चलिए एक बार फिर राहुल गांधी विवादों में आ गए, सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, बड़े गंभीर आरोप लगाए गए, क्या वाकई में इन आरोपों में गंभीरता है, जिस तरह के एक फ्लाइंग किस का आरोप लगाया गया राहुल गांधी पर? देखिए, बिल्कुल, आज जब राहुल गांधी का भाषण समाप्त हुआ, जब वो मणिपुर के मुद्दे पे और अपनी भारत जोड़ो यात्रा के मुद्दे पर बयान देने के बाद जब वो सदन से निकल कर जा रहे थे, उस वक्त स्मृति ईरानी अपना भाषण पढ़ रही थी और जाहिर तौर पे काफी हमलावर अटैकिंग भाषण था स्मृति ईरानी का। उस वक्त स्मृति ईरानी ने अपने भाषण को रोककर उसी वक्त आरोप लगाया कि राहुल गांधी जब अपनी कुर्सी से उठकर जा रहे थे तो पीछे से बीजेपी के सांसदों ने कहा कि आप रुकिए, जवाब आपने भाषण दिया तो हमने सुना है, हम जब जवाब दे रहे हैं तो आप भी रुकिए। उसी वक्त राहुल गांधी पीछे मुड़े और इनडिसेंट एक्ट किया, ये जो फ्लाइंग किस कहा जा रहा है वो किया और उसके बाद वो चले गए। इसे लेकर स्मृति ईरानी ने अपने भाषण के दौरान भी इस पर दुख चिंता जताई थी और स्पीकर से कहा था कि उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ये इनडिसेंट बिहेवियर है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के नेतृत्व में 21 महिला सांसदों का, बीजेपी के 21 महिला सांसदों और मंत्रियों के दल ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और उन्हें अपना शिकायती पत्र सौंपा है कि इस तरह के इनडिसेंट बिहेवियर के लिए राहुल गांधी को सजा देनी चाहिए। देखिए, जाहिर तौर पर राहुल गांधी का जब भी बयान होता है या जब भी आपको याद होगा, हर बार कुछ ना कुछ घटना उनके भाषण पे भारी पड़ जाता है। आपको याद होगा, एक बार अपने अविश्वास प्रस्ताव के मतन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को गले लगाया था अपनी कुर्सी से जाकर, ये इसको भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं माना गया था, संसदीय मर्यादा के अनुसार नहीं माना गया था। दूसरी बार जब वो बयान दे रहे थे तो फिर आंख मारने की बात आई थी, किसी दूसरे सांसद की को कुछ इशारा कर रहे थे आंख मारकर, वो भी कैमरे में कैद हो गया था और उस पर भी सवाल उठे थे। और आज तीसरी बार जब अविश्वास प्रस्ताव पे दूसरे दिन की चर्चा चल रही थी, राहुल गांधी को सुनने के लिए तमाम सदन में सांसद उपस्थित थे, बाहर भी तमाम लोग उन्हें सुन रहे थे, उसके बाद ये जो एक्ट हुआ है, जो आरोप लगा है वो ठीक है। ठीक है कुमार, रोक रहा हूँ।